विजय सिन्हा जी को भी हम बधाई देते ही हैं। विजय सिन्हा जी, अब आप नेता प्रतिपक्ष हैं, हमको पूरा उम्मीद होगा कि आप उसको अमल करने का काम करेंगे। आप तो अब विपक्ष के नेता हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप अपने संबोधन से सदन को एक रास्ता और एक अच्छे संदेश बिहार को देने का काम करें। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले निर्विरोध चुने जाने पर महोदय आपको हम हृदय से बधाई देते हैं। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है और हमारा पूरा सहयोग। आप क्योंकि सदन के अध्यक्ष चुने गए हैं, आप संरक्षक हैं, तो हम लोगों की भी बड़ी भूमिका है और हम लोगों का पूरा योगदान आपको रहेगा कि आप नियमानुकूल सदन को चला सके। पूरा सहयोग हम लोगों का मिलेगा। तकलीफ को कैसे दूर किया जाए, हमेशा आपने सदन में जनप्रतिनिधि रहते हुए या मंत्री रहते हुए आपने हमेशा कोशिश की कि उस समस्याओं का निदान किया जाए। और आपका इतना लंबा अनुभव, हमारे पिता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी से भी रहा है। आप लोग अच्छे मित्र रहे हैं और हम तो इतना ही कहेंगे कि उनके तरफ से भी हम आपको शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि सबको नेताओं को यहाँ बोलना है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि विजय सिन्हा जी को भी हम बधाई देते ही हैं, नेता प्रतिपक्ष चुने गए, लेकिन विजय सिन्हा जी, अब आप नेता प्रतिपक्ष हैं और इससे पहले आप अध्यक्ष थे, तो आप आसन पे बैठ करके हम लोगों को जो ज्ञानवर्धन दिया करते थे, हमको पूरा उम्मीद होगा कि आप उसको अमल करने का काम करेंगे। और आप तो अब विपक्ष के नेता हैं। अब नेता होने के साथ साथ आप जब अमल करिएगा तो देखना पड़ेगा कि आपके सहयोगी पार्टी के सदस्य भी आपका सहयोग करें। हालांकि ज्यादा कुछ आज नहीं कहना, माहौल तो बहुत बढ़िया है और इतना आसन को हम जरूर बताना चाहेंगे महोदय, विपक्ष को बताना चाहेंगे, पूरे बिहार की जनता को बताना चाहेंगे कि ये नई सरकार, महागठबंधन की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बना है, ये देश हित में बना है, बिहार के हित में बना है, गरीब युवाओं के हित में बना है, समाज के हर एक वर्ग, चाहे कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, हम लोग ए टू जेड की बात करते हैं, ऊपर से नीचे सबको साथ लेकर के चलेंगे। और हमारी तो यही कोशिश है इनके नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कि जितना समस्याओं का हम लोग समाधान मिलजुल करके कर सके वो काम करेंगे, बिहार को एक नए पायदान पर पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको पुनः बधाई देते हैं।